साथियों, मैं डॉक्टर राजीव धवन और मेरे सहभागी डॉक्टर निखिल जैन, हम जैनी एंटी की तरफ से एक ब्लैक फंगस बीमारी के ऊपर एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसका मेन मकसद ये है कि हम सबको इस बीमारी के बारे में जानकारी हो, ताकि हम अपने आप को, अपने सगे संबंधियों को इस बीमारी से बचा पाएं, और अगर ये बीमारी हो जाती है तो समय पे इलाज करा पाएं। तो मेरा पहला सवाल डॉक्टर निखिल जैन से कि ऐसा क्या कारण है कि COVID-19 के इस पैंडेमिक की सेकेंड वेव से हम निकले भी नहीं थे और ब्लैक फंगस के एक दूसरे एपिडेमिक ने हमें घेर लिया अलग अलग स्टेट्स में। क्या कारण रहे होंगे कि जिसमें ये स्थिति अराइज हुई है? डॉक्टर निखिल जैन। मेरे प्रिय मित्रों, पहली बात मैं एक बताना चाहूंगा, ये ब्लैक फंगस अगर ब्लैक ना होती तो शायद आज इतनी चर्चित ना होती। तो खैर, बहरहाल आज के दिन तो व्हाइट और येलो फंगस का भी चर्चा आ गया है, तो मैं इस बीमारी की संजीदापन को कम नहीं कर करूंगा ये बोलते। लेकिन हाँ, जरूर फंगल इन्फेक्शन है। ब्लैक फंगस इज अ काइंड ऑफ अ फंगल इन्फेक्शन, एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है। इसके विभिन्न कारण होते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बॉडी में तब जगह बनाता है जब जब बॉडी की जो अपनी इम्यून शक्ति है वो कम होने लगती है विभिन्न कारणों से, जैसे कि शुगर या डायबिटीज के मरीज, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट्स जैसे कि लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स लेना, कैंसर कीमोथेरेपी के मरीज होना, या पोस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जैसे कि इम्यूनो सप्रेशन मेडिसिन ले रहे हो पेशेंट्स कोई भी, आज के दिन कोविड रिलेटेड या कोविड लाइक इलनेस जिसमें कि लॉन्ग टर्म बुखार चल रहा हो, जिसमें कि बॉडी के खुद के अपने व्हाइट ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, इन्फेक्टिव व्हाइट ब्लड सेल्स, कई पेशेंट्स घरों पर ऑक्सीजन इनहेलेशन लॉन्ग टर्म पर चल रही होती है, या जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है उनको हॉस्पिटल में लॉन्ग टर्म इनहेलेशन चल रही होती है जो कि ह्यूमिडिफायर के थ्रू दी जाती है। तो ह्यूमिडिफायर में खुद मोल्ड्स होते हैं, फंगल मोल्ड होते हैं जो कि संक्रमित हो जाते हैं जब मरीज एडमिटेड होते हैं, ऑक्सीजन इनहेलेशन चल रही होती है। तो बहुत बड़ा कारण है ये इस फंगस के फैलने का। साथ ही मैं डॉक्टर धवन से कहूंगा कि कैसे मरीज, क्या वो मरीज से सुनना चाहेंगे, कैसे मरीज प्रेजेंट होता है जब वो कहता है, जब उसके दिमाग में डाउट आता है कहीं ब्लैक फंगस तो नहीं हो गया है। डॉक्टर धवन प्लीज कम फॉरवर्ड। डॉक्टर जैन बिल्कुल सही बोला आपने कि अगर हम कम शब्दों में बोल पाए तो कि ये जो स्टेरॉइड्स जो बहुत जरूरी दवा है और लाइफ सेविंग है, उसका भी कुछ इसमें कंट्रीब्यूशन है। शुगर का है, आपने सही बताया बिल्कुल कि शुगर की वजह से भी ये बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो क्या क्या ऐसे सिम्टम हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे अगर परिवार में किसी को कोविड हुआ है, अभी चल रहा है या होके अभी ठीक हुआ है, तो ये सिम्टम अगर आपको देखने को मिलते हैं तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए ब्लैक फंगस के बारे में सोचते हुए, हमें ENT डॉक्टर दिखाना चाहिए। तो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा ये सिम्टम किस तरह बन रहे हैं। पहली बात तो ये बीमारी नाक और साइनस से शुरू होती हुई ब्लड वेसल्स जो खून की नलियां होती हैं उनके द्वारा फैलती हुई हमारी आंख में और दिमाग में चली जाती है, और एक बार ये दिमाग में चली जाती है तो जानलेवा हो जाती है। आंख में चली जाती है तो हमें आंख निकालनी पड़ती है, तभी इस फंगस की सफाई हो सकती है। इसलिए इस बीमारी को शुरू में ही पकड़ लेना बहुत ही जरूरी रहेगा। तो इसके जो सिम्टम्स हैं उनको मैं ऐसे बांटूंगा, जैसे पहले तो नाक के सिम्टम। नाक में क्या सिम्टम होंगे? नाक बंद रहना, ऐसे नाक में ऐसा लगना जैसे मुझे जुकाम हुआ है, मेरा नाक बंद लग रहा है, नाक में खून मिला हुआ पानी आना, ऐसे लाल रंग का पानी आपके नाक से निकल रहा हो या ब्राउन कलर का पानी आ रहा हो नाक से, नाक में काले काले छिलके से बन रहे हो, आपके नाक की बाहर की चमड़ी काली हो जाए, या आपके नाक के बगल में जो गाल है, क्योंकि गाल के नीचे भी हमारे साइनस होती है, उसकी गाल की चमड़ी में दर्द हो आपको, या गाल की चमड़ी में आपको स्किन में आपको सुनपन लगे, या उसका कलर भी काला हो जाए, तभी तो ब्लैक फंगस बोलते हैं इसको, ठीक है। आंख में क्या सिम्टम आएंगे? आंख में दर्द हो रहा है आपको, आपको दो दो दिख रहे हैं, आपको धुंधला दिख रहा है, आपको आंख को दाएं बाएं हिलाने में आपको दर्द हो रहा है, या आपकी आंख की ऊपर की जो पुतली है वो नीचे गिर गई है, आंख सूज गई है, बहुत ज़्यादा आंख सूज गई है। ये तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि कोविड के पेशेंट को कोविड के दौरान या कोविड से भी ठीक हुए आपको आंख में ऐसे कोई सिम्टम नजर आए, या फिर
बहुत सिर दर्द हो, आपको लगे मेरा पेशेंट ठीक हो गया था, दो चार दिन घर रहा, फिर से उसकी हालात जो है वो ठीक नहीं लग रहे, वो फिर से वो कमजोरी महसूस कर रहा है, उसको दर्द हो रही है फेस पे या नाक में कोई सिम्टम आ रहे हैं, तो ऐसा कोई भी सिम्टम आने पे आपको अपने ईएनटी डॉक्टर को तुरंत बताना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी की खासियत यह है कि अगर हम शुरू में पकड़ पाए और आंख हमारी इन्वॉल्व नहीं हुई या ब्रेन तक नहीं गई, तो हम मरीज को बचा सकते हैं दवाई से, ऑपरेशन से। मैं डॉक्टर निखिल जैन को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें इस बारे में बताएं कि जब मरीज ईएनटी डॉक्टर के पास आता है तो ईएनटी डॉक्टर इसको डायग्नोस करने के लिए क्या क्या चीजें करता है। डॉक्टर धवन ने कहा कि हमें मरीज जब बताता है कि उसको नाक की समस्याएं क्या क्या हैं, उसकी क्या स्किन चेंजेस आ रहे हैं, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें एक थोरो ईएनटी एग्जामिनेशन की जरूरत है, जिसमें कि हम मरीज की नाक जो है उन पर चेक करते हैं। नेजल एंडोस्कोपी का इसमें बहुत बड़ा रोल है, तरीके से हम अंदर से जब दूरबीन से देखते हैं तो हमें काला चिकट रेशा दिखता है या कस्टिंग दिखती है, खून से लिप्त रेशा दिखता है कई बार, और जनरली नाक के मध्य हिस्से में ज़्यादातर हमें ये दिखता है। तो नेजल एंडोस्कोपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि नॉर्मली आमतौर पर बाहर से देखते हैं हम कई बार नहीं बता पाते। साथ ही अगर हमें कुछ कालापन या कुछ ऐसा बलगम या कुछ दिख रहा है तो हाथ के हाथ हम उस पर स्वैब ले लेते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे कि हम आरटीपीसीआर के स्वैब लेते हैं, ऐसे एक स्वैब नाक में अंदर डालते हैं, हम उसको कल्चर के लिए भेज देते हैं जस्ट टू नो कि ये फंगल एग्जैक्टली क्या है। विभिन्न विभिन्न प्रकार के फंगस होते हैं, चार पांच प्रकार के होते हैं, तो उनमें से जो जाइगो माइकोसिटिस है, जो म्यूकोराइट म्यूकोरियल्स है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो हमें डायग्नोज करना होता है टू से कि हाँ ये ब्लैक फंगस। तो समटाइम्स बायोप्सी भी जरूरी होती है, कुछ टुकड़े हमें दिख रहे होते हैं जो कि नेक्रोज है, तो उसका पंच बायोप्सी लेके वो भी दे सकते हैं। फाइनली एक फाइनल स्कैन के लिए जहाँ पर मरीज ये आँख की समस्या भी काफी गंभीरता से बता रहा होता है, कई बार हेडेक बता रहा होता है, तो एक एमआरआई सीटी स्कैन भी इतना ही अनिवार्य हो जाता है। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर धवन हमें थोड़ा सा बताएं कि अब इलाज के लिए हमें कितना इसमें दौड़ना है और किस प्रकार कितना प्रॉम्प्ट होके हमें इसमें एक्शन लेना है, थोड़ा सा बताएं। डॉक्टर जैन आपने बहुत सही बताया कि नेजल एंडोस्कोपी के बाद हमने डायग्नोसिस बना लिया, आपने स्वाब का टेस्ट किया, फंगस अप्रूव कर दिया या बायोप्सी ली और आपने सीटी स्कैन एमआरआई करके देख लिया कि ये फंगस कहाँ कहाँ फैली। जैसे मैंने पहले भी बताया ये आंख और दिमाग में चली जाती है, तो ये इस बात पर निर्भर करेगा कि ये फंगस क्या नाक या साइनस में है या आंख में गई हुई है या दिमाग में भी गई हुई है, उस पर ये बात डिपेंड करेगी कि ऑपरेशन कितना होना है, किस प्रकार का होना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस फंगस में हमें पहले ऑपरेशन करके जितना भी फंगस का अंदर इन्फेक्शन है उसको साफ करना पड़ेगा, उसके बाद जो दवाई चलेगी तभी वो दवाई असर कर पाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना इसको, कि सिर्फ दवाई दे देने से बात नहीं बनती है, इस फंगस ने जो भी अंदर घर बनाया हुआ है उस फंगस के घर को साफ करना है और जहां जहां वो घर बना हुआ है उस एरिया को भी हमें निकालना पड़ता है। इसीलिए मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें इसको अर्ली स्टेज पर डायग्नोस करवाना है, अपने मरीज को ध्यान से जल्दी से डॉक्टर के पास पहुंचाना है कि अगर आंख अभी इन्वॉल्व नहीं हुई है तो हमें आंख को निकालने का और वो ऑपरेशन करने का नौबत ही नहीं आएगा। तो पहला स्टेप है इसका ऑपरेशन, जिसको हम अपनी भाषा में सर्जिकल डिब्राइडमेंट बोलते हैं, जो एंडोस्कोप से ईएनटी सर्जन करते हैं, और उसके बाद इसकी जो मेन दवाई है जो हम नस में इंजेक्शन लगाते हैं उसका नाम है लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, और वो जो है इंजेक्शन जो है काफ़ी दिनों तक चलते हैं, मरीज हॉस्पिटल में रहता है और बाद में जब मरीज को छुट्टी मिल जाती है तो घर पे भी जाके उसको एक पोसाकोनाजोल नामक दवाई होती है वो कुछ देर तक खानी पड़ती है और उसको रेगुलर फॉलोअप के लिए आना पड़ता है और बीच में स्कैन भी रिपीट कराने पड़ सकते हैं ताकि हमें ये पता लगता रहे कि फंगस दोबारा नहीं हो रही है। और इसके बाद बहुत ज़रूरी बात है कि आपको ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखने पड़ते हैं, क्योंकि इसका जो मेन आधार है आपको अगर देखेंगे तो एक तो एस है, पहला एस है स्टीरॉयड्स, वो हमें देने ही पड़ते हैं। अगर कोई ये बोले कि स्टीरॉयड देने से ये बीमारी हो रही है तो ये गलत बात है। COVID-19 में स्टीरॉयड्स ने बहुत लोगों की जान बचाई है। हाँ, स्टीरॉयड ऑप्टिमल डोज में यूज करने चाहिए, ऑप्टिमल दिनों के लिए यूज करने चाहिए, पहला एस है स्टीरॉयड। दूसरा एस है शुगर। हाँ, ब्लड शुगर एक बहुत बड़ा पैरामीटर है, बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे, तो ब्लड शुगर कंट्रोल रहना पूरे इलाज में बहुत जरूरी है।
और तीसरी बात है, तीसरा एस है स्टार्ट। स्टार्ट में ही इस बीमारी को पकड़ लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम ये तीन एस पकड़ लेते हैं कि इसका कारण क्या है, स्टीरॉयड है, शुगर है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट एस जो तीसरा जो हमारी जिम्मेदारी बनती है मरीज की, मरीज रिश्तेदारों की, कि स्टार्ट में ही इस बीमारी को डॉक्टर के पास ले जाना है और उसको डायग्नोसिस ऐसे जल्दी बनवा देना है ताकि आंख की इन्वॉल्वमेंट से पहले ही हम इसका इलाज करके मरीज को सुरक्षित से बाहर निकाल पाए। डॉक्टर निखिल जैन, हम ये इसको समराइज करते हैं कि इस पूरे सीक्वेंस में हमें एक समझ लेना है कि हमें कोई भी सिम्टम है अगर नाक से संबंधित कंजेशन, नेजल कंजेशन या आंख से संबंधित, तो हमारा इलाज चला है कोविड का, लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड चले हों या हॉस्पिटल एडमिशन रहो जहाँ पर हमें ऑक्सीजन इन्हेलेशन लगी हो, तो यस यू शुड थिंक अबाउट गेटिंग कॉन्ट्रैक्टेड विद ब्लैक फंगस। इमीडिएटली अपने ENT स्पेशलिस्ट से सलाह जरूर लें उस टाइम पे। एक कॉम्बिनेशन, एक मल्टी मोडेलिटी ट्रीटमेंट चलता है हॉस्पिटल में, जरूर ध्यान रखें, बिकॉज एकदम से हम पहुंच के एक आध दिन के अंदर ये चीजें इंस्टीट्यूट होना भी मुश्किल रहता है। सो प्रॉम्प्ट इलाज, पहुंचे हॉस्पिटल में, लेट अस एंटर इनटू डिस्कशन, बिकॉज इलाज ऑपरेशन का होना है जो कि बहुत बड़ा डिसीजन है, वहां पर हमें कई सारी चीजें देखनी होती है, मरीज ऑलरेडी कोविड से बाहर आके चुका है या जो भी अन्य उसमें परिस्थिति में जो भी रहा है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में रहा है, तो इलाज मल्टी मोडेलिटी डिस्कशन के तहत ही शुरू होता है जिसमें कि एक पर्याप्त समय हमें चाहिए होता है। तो as soon as you face any confusion, immediately contact your ENT surgeon, can immediately give you some good legible solution. Thank you very much, Dr. Nikhil Jain. और आखिरी बात ये कहते हुए हम ये छोटा सा जो वीडियो था इसको खत्म करेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात इस ब्लैक फंगस में ये है कि हम सतर्क रहें और अपने डॉक्टर से जल्दी संपर्क में आए ताकि राइट टाइम पे डायग्नोसिस बन सके और राइट इलाज हो जाए और मरीज हमारा बच जाए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर निखिल जैन, थैंक यू।